क्योंकि उसका पति बात बात पर कहता है मुझे स्पेस चाहिए। मेरे को लगा वो दुखी है क्योंकि वो स्पेस में ज्यादा जाता है। बड़ा हरामी हो बेटा। जानी स्टॉप जानी। मैंने भी वही सुना जो आपने सुना। जानी बोला जानी। भाई ये कौन सा इंग्लिश है जानी। भाई वो गिर गया। एक मिनट टूटा नहीं ना। सो वेल 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 गाइज वी हैव एको डॉट फिफ्थ जनरेशन इन द हाउस एंड ये है एको डॉट फोर्थ जनरेशन। एक मिनट गाइज ये है फिफ्थ जनरेशन ये है फोर्थ। भाई कौन सा ये फिफ्थ है या ये फोर्थ है कौन सा है। वैसे ही कंफ्यूजन क्यों हुआ क्योंकि यहाँ पे एको डॉट फोर्थ जनरेशन का बॉक्स पैकेजिंग एंड एको डॉट फिफ्थ जनरेशन का बॉक्स पैकेजिंग काफी सिमिलर आपको देखने मिलता है। सिर्फ यहाँ पे फिफ्थ जनरेशन के ऊपर है ना फिफ्थ जनरेशन का स्टिकर उन्होंने प्रोवाइड किया है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभी और आप देख रहे हैं टेक अनबॉक्सिंग। एंड गाइस आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एको डॉट फिफ्थ जनरेशन के बारे में जो दो दिन पहले ही लॉन्च हुआ है। एंड सबसे पहले हम देखेंगे फोर्थ जनरेशन के कंपैरिजन में यहाँ पे फिफ्थ जनरेशन में आपको क्या क्या अपग्रेड्स देखने मिलते हैं। एंड फिर उसके बाद हम कंपैरिजन भी करेंगे एंड कुछ कमांड्स भी हम टेस्ट करेंगे कि क्या क्या कमांड्स आप यहाँ पे एलेक्सा को देख के उसे ऑपरेट कर सकते हो। तो सबसे पहले यहाँ पे हम अनबॉक्सिंग वाली बातचीत करते हैं। तो गाइस आप देख सकते हो फोर्थ जनरेशन फिफ्थ जनरेशन का सिमिलर बॉक्स पैकेजिंग आपको देखने मिलता है। सिर्फ यहाँ पे फिफ्थ जनरेशन में उन्होंने फिफ्थ जनरेशन का एक छोटा सा स्टिकर प्रोवाइड किया है। एंड बॉक्स को ओपन करते ही सबसे पहले यहाँ पे वो एक्चुअल एलेक्सा एको डॉट फिफ्थ जनरेशन उसी के साथ एक पावर अडैप्टर 15 वॉट्स का एंड फाइनली यहाँ पे आपको कुछ पेपर वर्क भी देखने मिलता है। सो वैसे गाइस इसका लुक एंड फील कैसा है, फोर्थ जनरेशन से फिफ्थ जनरेशन में क्या क्या चेंजेस है, फिजिकल ओवरव्यू, वो सारी चीज़ें हम बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ना हम यहाँ पे की एस्पेक्ट्स की बात करते हैं कि यहाँ पे फोर्थ जनरेशन से लेके फिफ्थ जनरेशन पे क्या क्या अपग्रेड्स उन्होंने प्रोवाइड किए। तो गाइस सबसे पहले अपग्रेड की अगर यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ ना तो यहाँ पे एको डॉट फिफ्थ जनरेशन के अंदर आपको 1.73 इंच का स्पीकर ड्राइवर देखने मिलता है। एंड इसका जो बेस वाला पार्ट है ना फोर्थ जनरेशन के कंपैरिजन में बहुत ही बढ़िया निकल के आता है। एंड उसे सुनने के लिए यहाँ पे मैं एक सॉन्ग प्ले करता हूँ। रेगुलर सॉन्ग नहीं प्ले करूंगा क्योंकि कॉपीराइट आएगा। तो यहाँ पे हम ब्लूटूथ के साथ इसे कनेक्ट करते हैं। प्लेइंग फ्रॉम OnePlus 11 5G। ओके सो गाइस यहाँ पे हमारा जो OnePlus 11 है ना उसे मैंने कनेक्ट किया है एंड ये अभी एक ब्लूटूथ स्पीकर में कन्वर्ट हो चुका है। सो आप इसे एज अ ब्लूटूथ स्पीकर भी यूज कर सकते हो। So guys, no doubt, fourth generation के comparison में यहाँ पे fifth generation का जो base वाला part है ना यहाँ पे superb निकल के आता है। एंड गाइस बढ़ते डायरेक्टली सेकंड अपग्रेडेड फीचर की तरफ जो है टैप वाला फीचर। गाइस टैप करके आप यहाँ पे म्यूजिक को प्ले एंड पॉज कर सकते हो, अलार्म को भी यहाँ पे स्नूज कर सकते हो। सो करंटली मेरे फोन से म्यूजिक प्ले हो रहा था सो मैंने उसे पॉज किया है। तो वापस हम यहाँ पे टैप करके इसे प्ले करते हैं ऐसे। तो यहाँ पे यूट्यूब चालू है, कुछ नहीं कर रहा मैं, यहाँ पे टैप करूँगा सिर्फ। ये फिफ्थ जनरेशन ही है ना? नहीं, बट यूट्यूब म्यूजिक तो कल हो रहा था ना। होता है यार, ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, इसमें समझ नहीं आ रहा है। नहीं रे, एक मिनट रुको। भाई वो गिर गया। एक मिनट टूटा नहीं ना। चलो कोई नहीं, इसी बहाने यू नो क्वालिटी टच भी हो गई तो आप इसे एज अ बॉल भी के तौर पे भी यूज कर सकते हो। एलेक्सा प्ले चूचू टीवी। अब बंद हुआ। अब प्ले एंड पॉज हो रहा है। मैंने कल यूट्यूब से ट्राई किया, वहां पे प्ले एंड पॉज हो रहा था। मुझे लगा चलो वो प्रीमियम से मैंने ट्राई किया था तो मैंने प्रीमियम साइन इन किया, उससे भी टैब एंड प्ले नहीं हो रहा। तो पता नहीं ये शायद ग्लिच है, कभी हो रहा है कभी नहीं हो रहा। एक मिनट इस पे हो रहा है, अभी हम लोग इससे प्ले करते हैं। अब बंद हो रहा है। ये देखो गाइस, ये देखो, तो गाइज ये जो टैप वाला फीचर है ना कभी कभार वर्क कर रहा है कभी वर्क नहीं कर रहा। सो ये चीज़ है ना अमेजोन टीम ने यहाँ पे फिक्स करनी चाहिए सॉफ्टवेयर अपडेट में। एंड यस यहाँ पे जो अगला अपग्रेड है ना फोर्थ जनरेशन से फिफ्थ जनरेशन पे वो है अल्ट्रासोनिक मोशन डिटेक्शन।
सो गाइस इसका मतलब ये है कि यहाँ पे अल्ट्रासाउंड की हेल्प से यहाँ पे जो बिल्ट इन माइक्स है ना, मतलब वो थोड़ा बहुत यू नो एक साउंड कैप्चर करेंगे साइड एम्बियंस का, एंड उसको पता चलेगा कि यार आजू बाजू कोई है, एंड उस हिसाब से आप कस्टमाइजेशंस कर सकते हो। जैसे कि हमारे केस में हमने रखा था कि यार अल्ट्रासाउंड की हेल्प से, मतलब जैसे कोई ह्यूमन डिटेक्ट हो जाता है ना साउंड की हेल्प से, यहाँ पे स्टूडियो के लाइट्स टर्न ऑन हो जाएंगे। सो आप देख सकते हो यहाँ पे स्टूडियो लाइट्स टर्न ऑफ है, एंड जैसे ही मैं एंटर होता हूँ फ्रेम में, यहाँ पे सारे स्टूडियो लाइट्स टर्न ऑन हो जाते हैं। एंड सिमिलरली आप यहाँ पे और एक चीज़ इसमें स्केड्यूल कर सकते हो कि अल्ट्रासाउंड की हेल्प से अगर कोई भी पर्सन डिटेक्टेड नहीं है ना, तो वहाँ पे स्टूडियो लाइट्स जो है टर्न ऑफ हो जाएंगे। तो आप देख सकते हो जैसे ही मैं यहाँ पे रूम से बाहर जा रहा हूँ ना, ऑटोमेटिकली जो स्टूडियो लाइट्स है ना वो टर्न ऑफ हो जाते हैं। एंड उसे कस्टमाइज करने के लिए आपको जाना है यहाँ पे एलेक्सा एप्लीकेशन के अंदर, एंड फिर आपको सिलेक्ट करना है आपका एको डॉट फिफ्थ जनरेशन डिवाइस। सेटिंग्स में यहाँ पे जाना है, एंड सेटिंग्स में नीचे की तरफ यहाँ पे आप देख सकते हो अल्ट्रा साउंड मोशन डिटेक्शन का ऑप्शन आपको देखने मिलेगा। उसके ऊपर क्लिक करते हैं, यहाँ पे आप सेंसिटिविटी रेंज को कस्टमाइज कर सकते हो, एंड नीचे की तरफ है ना रूटीन्स का ऑप्शन देखने मिलता है। सो यहाँ पे स्टूडियो लाइट्स ऑन पे मैं क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे हमने इसका जो नेम है रखा है स्टूडियो लाइट, एंड जो डिवाइस है वो इको शो 5 पे सेट किया है, एंड यहाँ पे एडिट एरिया ऑन करके मैंने सेट किया है। तो जब भी मोशन डिटेक्ट होगा एडिट एरिया ऑन होगा, एंड यहाँ पे दूसरा मैंने रूटीन सेट किया है जहाँ पे स्टूडियो लाइट ऑफ करके लिखा है, जहाँ पे नो वन इज डिटेक्टेड, मतलब कोई भी पर्सन डिटेक्टेड नहीं है, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे स्टूडियो लाइट्स टर्न ऑफ हो जाएंगी। सो गाइज ये जो अल्ट्रासाउंड मोशन वाला जो फंडा उन्होंने यहाँ पे प्रोवाइड किया ना, वो इतनी बढ़िया तरीके से वर्क नहीं कर रहा था। मतलब हमने 10 बार टेक्स लिए होंगे तब जाके हमें एक करेक्ट टेक मिला है जहाँ पे ये जेन्युइनली टर्न ऑन हुआ है। सो गाइज इसके अंदर अगर रडार सेंसर दिया होता ना तो ज़्यादा बेटर हो सकता था। एंड इसका एक ड्रॉबैक भी आपको बताता हूँ, मतलब एडवांटेज ही इसका ड्रॉबैक है। मान के चलिए आपने ये मोशन, मतलब अल्ट्रासोनिक मोशन डिटेक्शन टर्न ऑन किया आपके रूम के लिए, जहाँ पे लाइट्स टर्न ऑन हो जाएंगी आपकी, एंड आपके घर पे पेट्स है, आप रूम से बाहर चले गए एंड भाई पेट अंदर आ चुका है, मतलब डॉग है कैट है जो भी है अंदर आया, मोशन डिटेक्ट होगा एंड लाइट्स आपके टर्न ऑन रहने वाले है। सो गाइस जितने टाइम आपका पेट वहाँ पे रहेगा लाइट्स टर्न ऑन रहेंगे, एंड जाने के बाद ही लाइट्स बंद होंगे। सो गाइस ये एक डिसएडवांटेज है। सेकेंडली गाइस अगर थोड़ा बहुत भी कहाँ से इसने एम्बियंट साउंड कैप्चर कर लिया एंड इसे लगा भाई कोई तो है वहाँ पे, तो भी ये लाइट्स ऑटोमेटिकली टर्न ऑन करने वाला है। उसके अलावा गाइज इसके अंदर ना आपको बिल्ट इन टेम्परेचर सेंसर भी देखने मिलता है। रूम के टेम्परेचर को आप डायरेक्टली एप्लीकेशन के अंदर देख सकते हो, एंड वहाँ पे भी आप रूटीन सेट कर सकते हो। मान के चलिए यहाँ पे 22 डिग्रीज पे हम लोग का एसी यहाँ पे चलता है, एंड अगर टेम्परेचर 24 प्लस जाता है ना, तो वहाँ पे ये ऑटोमेटिकली एसी को टर्न ऑन करेगा। सो उसे भी आप रूटीन्स में जाके यहाँ पे सेट कर सकते हो कि भाई 24 डिग्रीज के ऊपर गया तो एसी टर्न ऑन होना चाहिए। एंड टर्न ऑफ के लिए अगर आप एक थ्रेशोल्ड सेट करते हो ना, जैसे कि 20 डिग्रीज, सो 20 डिग्रीज के नीचे अगर टेम्परेचर जा रहा है तो एसी टर्न ऑफ होना चाहिए। बट गाइज यहाँ पे इसका एक डिसएडवांटेज है कि अगर आपका एसी तो यहाँ पे टर्न ऑन हो जाएगा 24 के ऊपर जाने के बाद 22 पे, तो 24 से 22 तक टेम्परेचर लेके आएगा। सो बेसिकली गाइज आजकल सारे एसी स्मार्ट होते हैं, सो अगर आपका टेम्परेचर है ना 24 प्लस था तो 22 पे कॉन्स्टेंट रखेगा। एसी का काम क्या है, टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रखना, एंड आपका टेम्परेचर बट ऑब्वियस 20 के नीचे नहीं जाने वाला। अगर आप 21 भी सेट करते हो ना, 21 के नीचे जाते हो तो वापस एसी को टर्न ऑन कीजिए, तो भी गाइज एसी 22 पे ही टेम्परेचर को यू नो कॉन्स्टेंट रखेगा। सो गाइज टर्न ऑफ का मुझे नहीं पता, टर्न ऑन करेगा, टर्न ऑफ आपको मैन्युअली ही करना पड़ेगा। एंड इसका भी मैं आपको डिसएडवांटेज बताता हूँ, आप स्केड्यूल कर सकते हो भाई मैं ऑफिस में 5 दिन रहता हूँ, 5 दिन ये फंक्शन वर्क करेगा, संडे को ये फंक्शन वर्क नहीं करेगा। बट गाइज गलती से अगर कोई दिन छुट्टी है एंड आप भूल गए उसे स्केड्यूल में डालना, तो भाई साहब आपका ऑफिस में ऑटोमेटिकली एसी टर्न ऑन हो जाएगा एंड टर्न ऑफ नहीं होने वाला जब तक अगले दिन आप नहीं आ रहे, एंड काफी बड़ा सा बिल आपको आने वाला है। तो ये इसका जो फीचर है वही इसका ड्रॉबैक मैं बोल सकता हूँ। सो बेसिकली गाइज यही कुछ की इम्प्रोवाइजेशंस आपको देखने मिलते हैं 4th जनरेशन से 5th जनरेशन पे। एंड अभी हम बढ़ते हैं कंपैरिजन वाले पार्ट की तरफ, तो बात करेंगे यहाँ पे कंपैरिजन को लेके। बट उससे भी पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर गाइज, अगर आपको बैकग्राउंड में थोड़ा बहुत साउंड सुनाई दे रहा है तो यहाँ पे यार ये बाजू में ना कोई सस्ता सा कॉन्सर्ट चल रहा है, तो भाई थोड़ा सहन कर लेना। सो यहाँ पे हमारे पास है ना 4th जनरेशन एंड 5th जनरेशन दोनों भी स्पीकर्स है। सो यहाँ पे जो लुक एंड फील है ना दोनों का काफ़ी सिमिलर आपको देखने मिलता है, सिमिलर प्लेसिंग्स है बटन्स के, एंड ऊपर का जो फैब्रिक है ना वो भी सिमिलर आपको देखने मिलता है। डायमेंशन वाइज भी दोनों भी स्पीकर्स यहाँ पे काफ़ी सिमिलर है, सिर्फ यहाँ पे वेट में आपको डिफरेंस देखने मिलता है। सो यहाँ पे जो 4th जनरेशन है ना उसका वेट निकल के आता है 330 ग्राम्स का,
एंड फिफ्थ जनरेशन का वेट निकल के आता है 303 ग्राम्स का। एंड जैसे मैंने आपको बताया ना, दोनों की बॉक्स पैकेजिंग भी सिमिलर आपको देखने मिलते हैं, सिर्फ फिफ्थ जनरेशन पे फिफ्थ जनरेशन का एक छोटा सा स्टिकर उन्होंने प्रोवाइड किया है, दैट्स इट गाइस। एंड यस, यहाँ पे अगर मैं पोर्ट्स की बात कर रहा हूँ ना, तो 3.5 एमएम का आउट आपको देखने मिलता है फोर्थ जनरेशन पे, जो फिफ्थ जनरेशन में उन्होंने नहीं प्रोवाइड किया है। सो वैसे गाइस, जो 3.5 एमएम का जैक आउट था ना, वो पर्सनली मैं इतना यूज नहीं करता, तो गाइस ये फीचर है ना, इतना ज्यादा मायने नहीं रखता है मेरे लिए। क्या आपके लिए रखता है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। एंड गाइस, यहां पे फोर्थ जनरेशन जो स्पीकर था ना एको डॉट का, उसके अंदर आपको 1.6 इंच का स्पीकर ड्राइवर देखने मिलता है, एंड जो फिफ्थ जनरेशन है ना, उसमें उन्होंने 1.73 इंच का स्पीकर ड्राइवर प्रोवाइड किया है। तो डेफिनेटली गाइस, साउंड क्वालिटी या फिर जो बेस वाला पार्ट है ना, फिफ्थ जनरेशन पे काफी बढ़िया आपको सुनने मिलेगा। एंड जैसे मैंने आपको पहले ही बताया ना, यहाँ पे फोर्थ जनरेशन से लेके फिफ्थ जनरेशन में इम्प्रोवाइजेशन आपको क्या देखने मिलता है, तो टैप वाला एक फीचर हो गया जो यहाँ पे फिफ्थ जनरेशन में उन्होंने प्रोवाइड किया है। अल्ट्रासोनिक मोशन सेंसिंग जो फीचर है वो भी आपको देखने मिलता है फिफ्थ जनरेशन में। एंड बिल्ट इन टेम्परेचर डिटेक्शन का भी सेंसर उन्होंने प्रोवाइड किया, जो फोर्थ जनरेशन पे आपको देखने नहीं मिलता। सो बेसिकली गाइज, यही थे कुछ की डिफरेंसेस एको डॉट फोर्थ जनरेशन एंड एको डॉट फिफ्थ जनरेशन में। प्राइसिंग की अगर मैं बात करूं, तो एको डॉट फोर्थ जनरेशन आपको मिलेगा 3,500 रुपए की प्राइस में, एंड एको डॉट फिफ्थ जनरेशन आपको मिलेगा 5,000 रुपए की प्राइस में। सो क्या ये प्रैक्टिकली वैल्यू फॉर मनी है या नहीं है? सो गाइज, जो मोशन डिटेक्शन वाला फीचर था, इतना बढ़िया तरीके से वर्क नहीं कर रहा था। टेम्परेचर डिटेक्शन के बारे में ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है, टैप वाला फीचर मुझे नया लगा, एंड साउंड क्वालिटी भी थोड़ी बहुत इंप्रूव हुई है। बट क्या आप उसके लिए 1,500 रुपए एक्स्ट्रा पे करोगे? मेरे हिसाब से गाइज, फोर्थ जनरेशन एनी टाइम वैल्यू फॉर मनी मुझे लगा 3,500 रुपए की प्राइस में। एंड यस, अगर आपको कुछ नया अपग्रेड ही करना है फ्रॉम एको डॉट फोर्थ जनरेशन, तो आप एको शो 5 के लिए जा सकते हो, जहाँ पे सिर्फ आपको 500 रुपए एक्स्ट्रा पे करना है एको डॉट फिफ्थ जनरेशन से, जो है बेसिकली 5,500। एंड वहाँ पे आपको एलेक्सा देखने मिलेगा विद बिल्ट इन डिस्प्ले एंड बिल्ट इन कैमरा भी। सो यहाँ पे हम देखेंगे कुछ बेसिक कमांड जो आप एलेक्सा को दे सकते हो, एंड बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ले सकते हो, जैसे कि एलेक्सा, हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? द करंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द्रौपदी मुर्मू। सो गाइस, कुछ इस तरीके से आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। एंड यस, अगर आपको यहाँ पे क्या जानना है, और अगर यहाँ पे आपको स्मार्ट होम को कंट्रोल करना है, तो उसे भी आप कंट्रोल कर सकते हो, जैसे कि पीछे की तरफ यहाँ पे फोकस वन टर्न ऑन है, तो यहाँ पे हम उसे टर्न ऑफ करते हैं। एलेक्सा, टर्न ऑफ फोकस वन, कर दे टर्न ऑफ। हाँ, सो गाइस, यहाँ पे फोकस वन टर्न ऑफ हो चुका है, वापस हम उसे टर्न ऑन करते हैं। एलेक्सा, टर्न ऑन फोकस वन। सो गाइस, जो फोकस वन है वो यहाँ पे टर्न ऑन हो चुका है। सो गाइस, कुछ इस तरीके से आप स्मार्ट होम को भी यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हो। एंड यहाँ पे किड्स के लिए भी आपको एक स्पेशल फीचर देखने मिलता है, एलेक्सा प्ले चूचू टीवी। Say the name of a song or choose a category like nursery rhymes, stories, or simply say play all. Play all. Playing Johnny Johnny Yes Papa Sugar Prank. जानी, स्टॉप जानी। मैंने भी वही सुना जो आपने सुना, जानी बोला, जानी भाई ये कौन सा इंग्लिश है, जानी। एंड यस, अगर आपको यहाँ पे हिंदी वर्जन भी चाहिए ना, तो आप हिंदी में भी कमांड्स दे सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आपको हिंदी कमांड्स का भी सपोर्ट देखने मिलता है, जैसे कि एलेक्सा चूचू टीवी को प्ले कीजिए। गाने का नाम बोले या कैटेगरी चुने या बस कहे प्ले ऑल। प्ले ऑल। प्ले हो रहा है बाबा काली भेड़। बाबा काली भेड़ प्ले हो रहा है। एक चीज बताता हूँ, जो इंग्लिश पोएम का मजा है ना, वो इंग्लिश में ही है। वो ऐसे हो रहा है कि नेटफ्लिक्स में मैं वो कन्वर्जन सुनते नहीं क्या, हिंदी वाला ट्रांजिशन वाला पार्ट, वैसे सुनाई दे रहा है यहाँ पे। बट यस, आप हिंदी में भी यहाँ पे पोएम्स को सुन सकते हो एंड इंग्लिश में भी सुन सकते हो। एंड और एक स्पेशल फीचर यहाँ पे आपको देखने मिलता है, विस्पर वाला। विस्पर करके आप एलेक्सा को पूछ सकते हो, विस्पर करके ही वो जवाब देगी। एलेक्सा, what's the temperature outside? Right now, it's 33 degrees Celsius. Tonight, expect a low of 25 degrees. So, अगर आप whisper करके बात कर रहे हो ना, तो whisper करके ही यहाँ पे आपको जवाब मिलने वाला है। उसके अलावा गाइज, आप न्यूज यहाँ पे सुन सकते हो, इन्फॉर्मेशन तो मैंने आपको पहले ही बता दी, वो ले सकते हो, स्मार्ट होम को कंट्रोल कर सकते हो, एंड ढेर सारे और भी चीजें देखने मिलती है। एंड यस, अगर आप बोर हो रहे हो ना, तो आप चुटकुले भी सुन सकते हो। कुछ चुटकुले सुनाइए। एक एस्ट्रोनॉट की पत्नी क्यों दुखी थी? क्योंकि उसका पति बात बात पर कहता है मुझे स्पेस चाहिए। मेरे को लगा वो दुखी है क्योंकि वो स्पेस में ज्यादा जाता है। बड़ा हरामी हो बेटा। ठीक है, मतलब हंस देंगे। और एक सुनते हैं कुछ। कुछ चुटकुले सुनाओ।
एक इंटरव्यू में चिंटू से पूछा गया, अरे भाई आपके सीवी में इतने गैप क्यों हैं? चिंटू ने जवाब दिया, मैं गलती से स्पेस बार पे सो गया था। कानों से खून आ रहा है क्या? देखो कानों से खून आ रहा है मेरे ऐसे जोक सुन के। सो यस गाइस, यही था एक वीडियो Amazon Echo Dot 5th जनरेशन पे, जहाँ पे आप डिफरेंट कमांड्स दे के इसके हेल्प से इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। एंड यस गाइस, आप यहाँ पे मतलब आपने यहाँ पे वीडियो में देखा 4th जनरेशन 5th जनरेशन का कंपैरिजन भी किया। एंड ये वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो गाइस इस वीडियो को लाइक कीजिए। रिक्वायर्ड जितने भी सारे लिंक्स हैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। प्लस यहाँ पे आपको व्यू प्रोडक्ट्स का एक टैब भी देखने मिलेगा, जहाँ से आप डिफरेंट Alexa Echo Devices के प्रोडक्ट्स को एक्सप्लोर करके उन्हें परचेज भी कर सकते हो। सो उसे भी जरूर चेकआउट कीजिए। एंड गाइस बस यही था आज का वीडियो, आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसी टेक रिलेटेड अनबॉक्सिंग के लिए प्लीज सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। और दोस्तों और एक इंपॉर्टेंट बात, प्लीज मेरे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज भी लाइक कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।